Hey guys, what's up? कैसा सभी लोग? और आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं ग्रीडेंट को, जहाँ ग्रीडेंट स्पेशल है आज। और ये मेरे पास इसका 7 डे का लिमिटेड लाइसेंस था, इसलिए मैं सोचा इसका स्पेशल आज कर ही लेते हैं। और ग्रीडेंट का मेरे पास अभी फिलहाल कोई के लिए स्किन भी नहीं, और मैंने ये पोकेमॉन खरीदा भी नहीं है, सो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ। और मुझे लगा अगर मुझे ये पोकेमॉन अच्छा लगा तो हो सकता है फ्यूचर में मैं ये पोकेमॉन को खरीदूँ भी। और मैंने देखा है कि बहुत लोग इस पोकेमॉन को खरीदते हैं। ये एक डिफेंडर है और ये काफ़ी मतलब फार्म लेने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, इसे मूव्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। और पूरी टीम में से मैं एक मास्टर हूँ और ये प्योर रैंक मैच है। सो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना अगर पसंद आए तो, और नहीं पसंद आए तो मत करना। बस मैं चाहता हूँ कि भाई अच्छी ऑडियंस हमारे साथ मिले। और फ्रेंड्स भाई हम लोग चलते हैं मैच की तरफ। तो गाइस अभी फिलहाल मैच भी स्टार्ट हो चुका है, और सबसे पहले मैं लूंगा ट्रैकल। और ट्रैकल मैंने सुना है बहुत अच्छा स्टीलिंग पोकेमॉन है, सो देखते हैं स्टील। ओ भाई कर दिया मैंने स्टील, ठीक है। यानी ट्रैकल काफ़ी मतलब अच्छा पोकेमॉन है स्टीलिंग करने के लिए, अच्छा मूव है पोकेमॉन ने। और ये ग्रीडेंट के जो बेस फॉर्म होता है उसका नाम क्या है मुझे पता नहीं, इनको दोबारा स्टील कर लिया है। ट्रैकल बहुत ज़्यादा अच्छा मूव है, मतलब ये मैमोस्वाइन का भी ट्रैकल काफ़ी अच्छा है जो स्वाइनअप में मिलता है। ये दोबारा स्टील कर लिया, पूरा स्टील करा। अरे यार ये लुकारियो वो स्टैक वाला लुकारियो क्या करते हैं, दो दो बॉल लेके आते हैं फिर गोल करते हैं, फिर इससे मीटियोर मैच से पीछे धकेलते हैं, स्लो स्मोक करते हैं। भाई यार ये बहुत इरिटेटिंग लुकारियो होता है, छोड़ भाई उसको जाने दे। तब तक मैं ए पम्प मार लेता हूँ, 5 बॉल वाला ए पम्प मिल चुका है। ये 2 3 4 अरे यार आप जो स्टील, अरे भाई देखा भाई इतना प्रो स्टीलर भी मुझसे स्टील नहीं कर पाया। देखा भाई आप जो नॉर्मली काफ़ी अच्छा स्टीलर है लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाया। और जैसा आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं ग्रीडेंट बन के मार रहा हूँ जैसे वैसे वैसे मैं वो बेरी गिरा रहा हूँ जो स्वीट बेरी होती है, उसके खाने से थोड़ी थोड़ी एचपी भी बढ़ती है। सो काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, और देखते हैं भाई आज ट्राई करेंगे इसको। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है क्या कह रहा है, जल्दी लाइक करो क्योंकि ऐसी कंटेंट मैं बनाते रहता हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वीडियोस इतनी लेट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कहा है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतने मतलब डेली वीडियोस ला के रहूँ, लेकिन एटलीस्ट वीक में भाई एक वीडियो तो आ रही तो खुशी मनाओ। और मेरी एग्जाम 16 मार्च को खत्म हो रही, तो उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि डेली वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स हो। लाइव स्ट्रीम तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, हो सकता है आज शाम को लाइव स्ट्रीम हो, मतलब आज डेट तो 6 मार्च है लेकिन आप वीडियो 7 मार्च को देख रहे होगे क्योंकि मैं एक दिन हमेशा बाद वीडियो डालता हूँ। पर चलो भाई अब जरा मैंने इसको मार दिया, फटाफट से अब हम लोग गेम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बातें तो बहुत कर ही लिए। अलोलन नाइनटेल्स भाई मरने का टाइम आ गया है। अब्जोर ओपी यार, केओ स्ट्रीक 2 हमारा अब्जोर काफ़ी अच्छा है। गाइस भाई मैं फार्म करते करते ग्रीडेंट बन चुका हूँ और बनने वाला हूँ मतलब, और ये भी बना ग्रीडेंट। और मैं जाने वाला हूँ भाई कोवेट के साथ, क्योंकि कोवेट मतलब कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो मुझे पता नहीं है, पर स्टफ स्टिक से ज़्यादा मुझे कोवेट ज़्यादा अच्छा लगता है भाई, क्योंकि उससे क्या हमारी स्पीड भी बढ़ती है। और सपोज मुझे कोई मार है तो मैं आराम से कोवेट कर से भाग सकता हूँ। फटाफट से भाई गोल करने का ट्राई करते हैं। एक सेकंड, ये यहाँ पे फ्लेचिंडर बैठा हुआ है। अरे आराम से भागना पड़ेगा, देखो उसने एक्रोबैटिक्स कर ही दिया था भाई घास में, अच्छा हो मैं भाग गया। एक काम करते हैं एब्जॉल्व, तो मुझे लगता है मर ही जाएगा एब्जॉल्व को, लोग मार देंगे। तो मैं काम करता हूँ घास में छुपे रहता हूँ जब तक कोई अब लोग अपने बेस से निकलते नहीं, तब तक मैं भी नहीं निकलने वाला अपने बेस से। और अपने बेस पे ये रहो लुकारियो के बच्चे आ जा, अब तेरे को कोवेट की पावर दिखा रहा हूँ। एक सेकंड कोवेट अभी नहीं करूँगा क्योंकि कोवेट भाई कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड है। ये देखो भाई पूरा मतलब घूमते रहता है, मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकता। ये देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा मतलब थोड़ा टफ है, मतलब मुझे उतनी आदत नहीं क्योंकि मैं ग्रीडेंट से पहली बार खेल रहा हूँ आज, सो उतनी मुझे आदत नहीं है, धीरे धीरे मुझे आदत हो जाएगी। और अभी तक मुझे ये पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अभी के एक्सपीरियंस के हिसाब से कि इस पोकेमॉन को आप जोर से बाय कर सकते हो। डिफेंडर ही 8000 AUS कॉइंस का है। और भाई ये देख रहे हो यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और भाई वो देखो वहाँ पे लुकारियो और वो टैलेंट फ्लेम लड़ रहा है, और ये मैंने गोल भी कर दिया 24 बॉल्स का। चलो भाई एक काम करते कोवेट से, देखो भाई कोवेट इससे मैं वो स्वीट बेरी होती है ना वो भी गिरा सकता हूँ, और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, यानी कोवेट मुझे बहुत सही लगता है भाई। चलो बुलेट सीड, और मुझे लगता है बेल्च आने वाला है नेक्स्ट, तो मैं बुलेट सीड के साथ जाऊंगा क्योंकि बहुत लोग बेल्च जाते हैं, पर मुझे जहाँ तक लगता है भाई बुलेट सीड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बुलेट सीड बहुत इजीली कंट्रोल हो सकता है, और बेल्च में ना उतना आसानी से कंट्रोल नहीं होता। और बेल्च को यार मतलब कोई भी बेल्च से आराम से बच सकते हैं मेरे हिसाब से, मतलब मैंने जितने YouTube पे वीडियोस देखे हैं ये तो बुलेट सीड, क्योंकि ये रुको भाई बुलेट सीड देखो मैंने बस होल्ड करके रखना और फिर रैपिड फायर होता है भाई बुलेट सीड से। ये रुको भाई कैसे बुलेट फेंक रहा, बहुत सही मूव है ये, सभी को याद है भाई वो मरेगा देखना। अब देखिए प्रो रोटॉम स्टील आपको देखना है भाई, देखो भाई ओ भाई देख रहे हो दो लोग मुझे मार रहे थे लेकिन फिर भी मैंने रोटॉम स्टील कर लिया। अभी भले ही रोटॉम वो लोग मार दे पर भाई इतना मतलब मुझे गर्व रहेगा कि मैंने एटलीस्ट रोटॉम को स्टील तो कर लिया। तो यहाँ पे लुकारियो है, मर जा लुकारियो। चलो भाई बुलेट सीट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब रैपिड फायर मतलब होता है ना ऐसे एकदम फुल स्पीड में बुलेट फेंकता है जो आराम से, यार ये मार देगा मेरे को, मारेगा मर जाऊँगा। एक सेकंड कोवेट से भागो भाई, भाई कोवेट बहुत अच्छा, भागते भागते मैं मस्त एकदम बेरी फेंकते फेंकते और मैं खुद बेरी खाता हूँ, उससे मेरी हेल्थ भी काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ जाती है। 30 बॉल एक काम करते 40 बॉल करते और फिर मैं गोल करने का ट्राई करूंगा। दोस्तों अभी आपको अभी 2v2 का एकदम मस्त मसाला देखने को मिलेगा। ये देखो भाई दोनों को मैं ही मारूंगा, ये पिकाचू गया और ये 4 मिलियन भी गया। देखा भाई के 4 मिलियन नहीं सॉरी हुपा, कभी कभी भाई इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं पोकेमॉन के नाम में, इतने सारे पोकेमॉन है। अरे अरे कोवेट से मैं आगे निकल गया एक सेकंड को। 40 बॉल का ये गोल,
भाई ग्रेडियंट की स्कोरिंग एनिमेशन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एकदम छोटी सी एनिमेशन है और कुछ ज़्यादा होता नहीं। सिंड्रेस की एनिमेशन मुझे सबसे बेस्ट लगती है, और डेसीडवाई की भी अच्छी है, मैमोस्वैन की इतनी अच्छी नहीं है, और ग्रेडियंट की मुझे लगता है बेकार एनिमेशन। कुछ और मतलब इनोवेटिव कर सकते थे वो लोग। गाइज अभी मैं 26 बॉल का गोल कर रहा हूँ, यहाँ पे पिकाचू आ गया और टैलेंट फ्लेम भी आ गया, अलोलन नाइनटीज भी आ गया, मुझे भाई कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जब तक मेरे पास कोविड है भाई टैलेंट फ्लेम में दम नहीं कि वो मुझे पकड़ पाए। देखो भाई तीन पोकेमॉन मेरे पीछे थे, लेकिन मैं कितना स्मूथली और इजीली भाग गया। आजा भाई आजा, कौन बचा ये रुकारियो। अरे यार जब जहाँ ये स्लो स्मोक बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, इतना ज़्यादा इरिटेट कर देता है ना कभी कभी स्लो स्मोक, भाई कोई भी बंदा स्लो स्मोक से आराम से भाग सकता है मेरे हिसाब से। तो गाइज अभी फाइनल स्टेज हो गया और टू बेस मैं करने वाला हूँ अभी, क्योंकि मैं मेरी हेल्थ नहीं टू बेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई देख रहे हो अपने पास कोविड है और कोविड से मेरी हेल्थ भी बढ़ती है। अरे अरे तू रहने दे भाई, तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा, तेरे में उतना दम नहीं है। और अपना हुपा काफ़ी अच्छा है, केओस्टिक 4। ओ भाई साहब हुपा ओपी भाई, केओस्टिक 5 नहीं हो पाया यार। चलो भाई 46 बॉल से एक काम करते हैं, फटाफट से गोल करते थे और ये 92 पॉइंट्स हमने गोल कर दिए। और एक काम करता हूँ मैं फटाफट से घास में छुपता हूँ और डिफेंड करता हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिफेंड करना। सो फटाफट से हम लोग टू बेस कर लेते हैं भाई, और उनकी टीम का कोई आया नहीं, वो लोग मुझे लगता है अपना ही बेस डिफेंड करते रह गए। देखो मैं पूरा टाइम मैं यही खड़ा था, कोई आया नहीं भाई, मुझे लगा वो लोग आएंगे, पर ठीक है भाई जीत गया भाई। आर्टिकोनो नहीं सॉरी जैपडोज, यार आर्टिकोनो बोलने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई ना, जैपडोज हमने स्टील कर लिया बहुत ईजिली। और कौन है MVP भाई, मोमेंट ऑफ ट्रुथ भाई, मैं नहीं हूँगा शायद, हाँ मैं नहीं हूँ, पर मैंने हाईएस्ट गोल, मैं सेकंड हाईएस्ट गोल किया, मैंने 72 है मेरा MVP रेटिंग, 3 किल्स है मेरे, 5 का सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छा खेला है। और एक काम करते हैं फटाफट से हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ। तो गाइस अभी हमारा नेक्स्ट मैच भी स्टार्ट हो चुका है और मैंने लेने वाला हूँ ऑब्वियसली ग्रेडियंट, और काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तक। और मैं आपको इसका बिल्ड दिखाना भूल गया गाइस, मैं दिखाते तो मैं कौन सा बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ मसल बैंड, स्कोर शील्ड और असॉल्ट वेस्ट। सो डिफेंडर के साथ तो असॉल्ट वेस्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मसल बैंड से मेरा अटैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और स्कोर शील्ड तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा OP आइटम है। तो गाइस अभी हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग बता सकते हो यार कमेंट सेक्शन में कि मैं ये जो स्पेशल गेम प्ले करता हूँ ये कितने मिनट्स का रखूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी स्पेशल किए मुझे लगता है मैक्सिमम टाइम मैंने 10 से 15 मिनट के रखे। सो मैं इतना ही ड्यूरेशन रखूँ या फिर आपको और देखना है इससे कम चाहिए, सो आप ये क्वेश्चन जरूर से, ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर से कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और भाई देख रहे हो भाई राल्ड्स का क्या स्टील कर रहा है भाई, टैकल बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका कूलडाउन भी काफ़ी कम है, सो स्टील करने में तो भाई मज़ा आ जाता है टैकल। ये देखो ये भाई प्रो स्टील, देखा भाई डिफेंस कर्ल भी मेरे पास आ गया है, डिफेंस कर्ल से मुझे लगता है मैं एक बैरी छोड़ता हूँ, हाँ यार को मैंने बैरी छोड़ी। एक काम करते हैं फटाफट से हम लोग ए पॉम लेते हैं, और भाई मैं काम करता हूँ ना थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी फार्म करना होगा वरना हमेशा मेरा फार्म चला जाता है यार। तो गाइस ये हुपा तो मेरे हाथों मरेगा भाई, आ जा आ जा हुपे कहाँ भागेगा। ये टैकल देखो भाई, टैकल से क्या प्रो स्टील हुआ, और मुझे लगता है मैं भी मरने वाला हूँ, क्योंकि हाँ पीपी गॉड कभी कभी तो मर जाता है, और ये मैं भी मर गया भाई। वो अब्जॉर्ब कितना प्रो था, देखो उसके एक परसूट ने रैल्ट्स और मुझे दोनों को मतलब दोनों को डैमेज दिया भाई, काफ़ी ज़्यादा OP खेल रहा है यार उनका अब्जॉर्ब, जहाँ तक मुझे लगता है भाई उनका अब्जॉर्ब MVP होगा उनकी टीम का। ये देख रहे हो भाई हम तीनों मिलके जा रहे हैं, और ये मैं करने वाला हूँ 21 बॉल्स का गोल, कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मेरे पास स्कोर शील्ड है भाई, जब तक स्कोर शील्ड है भाई कोई टेंशन नहीं। एक सेनो को एक बॉल का भी गोल कर रहे थे, देख रहे हो भाई मैं एक एक बॉल लिटरली एक एक बॉल लेके आ रहा हूँ गोल कर रहा हूँ। चलो निकलते हैं यहाँ से फटाफट, और कॉर्फिश तू तो मरेगा भाई, तू मेरे हाथों नहीं बचने वाला, क्योंकि बाकी सब तो मुझे मार रहे, एटलीस्ट एक कॉर्फिश तो मार लूँ मैं भाई। ये फ्लेचेंडर इतने देर से मार रहा है ये रोटाम को, और मैंने फाइनली एंड में बुलेट सीड मार के क्या स्टील किया है भाई, देख रहे हो भाई इतने देर से बेचारा मार रहा था और मर भी गया खुद, लेकिन भाई एंड में आके मैंने स्टील कर लिया उसका। सो वो भी बड़ा बुरा मान रहा होगा कि भाई इतना मैं वो सोच रहा हूँ भाई मैंने इतना डैमेज दिया तूने एंड में आके बुलेट सीड से चुरा लिया यार। गाइस अभी मेरे और अब्जॉर्ब के अभी 1v1 हो रही है और मैं जीत गया भाई, देख रहा हूँ मेरी एक हेल्थ रह गई थी, अगर मैं अपने बेस पे आनी तो मुझे लगता है यार अब्जॉर्ब मेरे को मार देता। जब फटाफट अच्छा हुआ कि मैं अपने बेस पे बड़ा जल्दी आ गया, यूकारियो यूनाइट मूव दे रहा है, अरे भाई मैं जहाँ घास में छुपने गया वही उसी घास में लिटरली उसका यूनाइट मूव आया, क्या मेरा बैड लक था यार। एक काम करें फटाफट से, उन्होंने रोटॉम तो ले लिया लेकिन मैं इनका रोटॉम सक्सेसफुल है तो दूंगा नहीं, और लास्ट टाइम भी ये फ्लेचेंडर रोटॉम नहीं ले पाया था, मुझे जहाँ तक लगता है इस बार भी नहीं ले पाएगा। पहले भाई इसको हटाओ भाई, गार्डेवर के बच्चे कहाँ भागेगा, नहीं भाग सकता तू, नहीं भागेगा यहाँ से, गया बोला था भाई वो भी गया, मतलब ये भी गया, क्या बोलते हैं इसको एजिस्लैश भी गया, पर अपना मैंने तो मारी था, क्योंकि तुम्हारा भाई जिसे मैंने पता है पीपी गॉड है, क्योंकि टैलेंट फ्लेम का गेम प्ले तो सबने देखा होगा, उसको पता होगा मैं कितना ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ। गैस एक फनी चीज़ दिखाऊँ, ये देखो भाई आप जो यहाँ पे टू बेस कर रहे हो, लिटरली मैंने भाई इसको टू बेस करते करते मार दिया, देखा भाई उसको लगा होगा कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा, एकदम शांति से बेचारा टू बेस कर रहा था, देखा भाई मुझे पता था आप जो यहाँ पे पक्का टू बेस करने आएगा, इसलिए मैं वहाँ पे आ गया, और जैसे कि मैंने देखा भाई क्योंकि तुम्हारा भाई पीपी गॉड है तो आराम से मैंने अब्जॉर्ब को मार दिया, और अब्जॉर्ब ने भाई इस मैच में मुझे 2 बार मारा था, इसलिए मैंने सोचा भाई अभी तो उसको मारना बनता है। और 2 मिनट होने वाले, काम करते हैं मैं घास में छुपता हूँ, और चार्जर मेरे पीछे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं मैं आने दे तब तक टैलेंट, अरे यार अपना क्या बोर फ्लेचेंडर है, देखो भाई लिटरली 2 मिनट होने वाला है, फ्लेचेंडर अभी भी 6 लेवल का है, मैं 12 लेवल का हूँ ना, हाँ भाई मैं तो 12 लेवल का हूँ,
और 6,000 यूनिट दे दिया मैंने मैंने ये गार्ड वर्क को क्यों नहीं बचाया पता है, कि मेरे पास 50 बॉल है और मैं मरना नहीं चाहता है, क्योंकि जैसे ही 2 मिनट होगा भाई मैं जाऊंगा मस्त 50 बॉल लेके और 100 का गोल मारूंगा। भाई 2 मिनट हो गए, काम करे जल्दी जल्दी, गोल गेटर ऑन करो भाई, मुझे करना है 100 का गोल। चल भाई बेस टूटा, अब मारो भाई, अब 4,000 मेरे हाथों नहीं बचने वाला है। आजा आजा चार्ली, कहाँ कैसे बचेगा भाई तू मुझे बता एक सेकंड के लिए। अगर तू मेरे बुलेट शीट से बच गया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास जब तक भाई यूनाइट मूव है ग्रीडेंट को कोई नहीं मार सकता, ग्रीडेंट इज अनबीटेबल। आजा भाई, अरे भाई ये स्टन हो गया मैं, एक सेकंड तू मरेगा, तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। देखा भाई मार दिया इसको, एक काम करे फटाफट से 50 बॉल मेरे पास दोबारा होने वाले, एक काम करे भाई, अरे यार हाँ कलेक्ट हो जा यार, एक टीममेट ने लीव कर दिया, छोड़ भाई, काम करे भाई हम लोग फिर से ट्राई करते 100 का गोल मारने के लिए। एक बार तो मैंने मार ही दिया, एक काम करे दूसरी बार भी मार दे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। इस बार मेरे पास गोल कटर भी नहीं है, मुझे बहुत आराम से 100 का गोल मारना है। सपोज कोई सुपर जंप कर आ गया तो मेरी तो वाट लगनी है, कोई नहीं आया। यस देखा भाई, 200 के गोल मार दिए भाई। याद है उस दिन मैंने वीडियो में चैलेंज किया था कि मुझे 250 के गोल मारने, तो वो मैं चैलेंज मैंने आज की वीडियो में भी कंप्लीट कर दिया। गाइस कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि ये मैच हम हार चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं यार, गेम में हार जीत तो होती रहती है, पर मुझे लगता है भाई मैं इस मैच में पिछले मैच से ज़्यादा अच्छा खेला हूं। चलो भाई मैच खत्म हो गया, देखते हैं क्या स्कोर से हारे, हारे तो पक्का ही है, क्योंकि ज़्यादा मुझे लगता है उन्होंने ज़ैपडोस भी स्टील कर लिया और काफ़ी ज़्यादा गोल्स मारे, और 818 आएंगे यार। अपने टीम का MVP मैं ही हूँ, देखो भाई 2-2-2, देखा भाई दो बार मैंने 100 का गोल मारा ना, इसलिए मेरे इतने ज़्यादा है, और रिकवरी मेरा 28,000 है। सो चलो भाई आज का गेम प्ले हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ग्रीडेंट की बात करूँ तो आप ग्रीडेंट को जरूर से परचेज कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है। सो मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह के और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, कमेंट सेक्शन में सजेशन देते रहो, और मिलूंगा भाई अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट बनाए रखना। चलो भाई बाय बाय सबको, एंड टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद।